Students and welcome back in your maths online class. So students, today we will start exercise 2.3. Question number 1 is, which of the following will not represent 0? Yani inme se kaun sa number 0 ko represent nahi kar raha, aapko wo batana hai. To yahan pe hum solution karke dekhenge har ek number ka. 1 plus 0 is equals to 1, correct? 0 multiply by 0 is equals to 0. 0 divide by 2, 0 में किसी number का division भी 0 होता है. और यहाँ पे 10 minus 10 से 0 आएगा. 0 divide by 2, again 0. B, C और D तीनों का answer 0 आ रहा है. सिर्फ A, 1 plus 0 equals to 1 से answer हमारा आ रहा है 1. Hence A doesn't represent 0. नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स. इस क्वेश्चन का मतलब ये है, इफ द प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, कोई भी दो होल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 0, यानी कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आ रहा है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0. तो क्या हम कह सकते हैं कि उन दोनों में से या तो वो दोनों नंबर 0 हैं या उनमें से कोई एक नंबर 0 है. तो हम इसको एग्जांपल से ही सॉल्व करेंगे. जैसे फर्स्ट मैंने 0 का मल्टीप्लिकेशन किया 7 से, 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई आंसर देता है 0. फिर एक और नंबर लिया मैंने जिसमें 0 का मल्टीप्लाई किया, उससे भी आंसर 0 आएगा. और 0 का 0 से मल्टीप्लाई करके देखा तब भी आंसर 0 आया. सो यस, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, यानी अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, देन वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0, दोनों में से एक या फिर दोनों नंबर 0 होंगे. नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 3. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, दो होल नंबर का प्रोडक्ट 1 है, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1. तो क्या हम कह सकते हैं कि वो दोनों नंबर या उनमें से कोई एक नंबर 1 होगा, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स. इसका भी एग्जांपल लेके देखते हैं. क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट देख रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई, सबसे पहला मल्टीप्लाई मैंने 1 का 1 से किया, नॉर्मली आंसर 1 ही आएगा. 1 का फिर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर वो नंबर वापस आता है, और 4 का मल्टीप्लाई भी 1 से किया तब भी आंसर 4 वापस आता है. So hence the product of two whole numbers will be 1 only in a situation when both numbers to be multiplied are 1. यानी कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 1 आंसर तभी आएगा जब उन दोनों में उन 1 और 1 नंबर का मल्टीप्लाई किया जाएगा. नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. क्लियरली अब तक आपको याद हो गई होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसमें आपको यूज़ करनी है 728 और 101. 101 को 100 प्लस 1 लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर ली. 728 मल्टीप्लाई 100, 728 मल्टीप्लाई बाई 1, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसका आंसर आ जाएगा ये 5437. इसको तो हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन 1001 को ब्रेक कर सकते हैं. 1000 प्लस 1 यहाँ पे हमने ब्रेक किया और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर ली. पहले इस नंबर का 1000 से मल्टीप्लाई, फिर इसी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा ये. नेक्स्ट देखिए 824 मल्टीप्लाई बाय 25. यहाँ पर हम कर सकते हैं 25 को अलग रखा 824, इसमें 800 और 24 का हमने ब्रेक किया है. 824 को हमने ब्रेक किया है 800 प्लस 24. नाउ मल्टीप्लाई बाय, अब इसी नंबर 24 में इसको लिख सकते हैं 25 माइनस 1. अब स्टूडेंट्स ये वाला स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है. 800 मल्टीप्लाई बाय 25, सबसे पहले हमने 800 मल्टीप्लाई बाय 25 किया. सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद यही 25 से मल्टीप्लाई हुआ, और इसी 25 का मल्टीप्लाई 1 से भी किया. सबका मल्टीप्लिकेशन कर लिया यहाँ पे, इससे आंसर आया 20,000. इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करते ही आंसर आया 625, और ये 25 अलग लिखा हुआ है. 625 में से 25 माइनस करते ही आंसर आया 600. दोनों को ऐड करके आंसर सिंपली आ गया 20,600. नेक्स्ट
125 और यहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको भी हम चेंज करेंगे, यहाँ पे 4275 को ब्रेक करके लिखेंगे, 4000 देन 200 देन 100। अब 100 में से हमें 25 माइनस करने होंगे क्योंकि यहाँ पे 75 है क्लियरली। तो ये पूरा नंबर शो कर रहा है इस नंबर को और 125 अपनी प्लेस पर एज इट इज़ है। अब आप यहाँ पे देखिए 125 का मल्टीप्लाई 4000 से, फिर 200 से, फिर 100 से, फिर 25 से, सबको मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। 4000 का इससे मल्टीप्लाई किया तो 500000 आंसर आया, देन नेक्स्ट का मल्टीप्लाई किया तो 25000 आंसर आया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 12500 आया, और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 3125 आया। सिंपली इनको ऐड करके लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है, आपका आंसर कंप्लीट।